Bablu ji is a very sweet person. He's a family friend, and I'm so glad. मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मुझे ये wedding attend करने का मौका मिला. Ubaid is also a dear friend, and they are like a family to me. And wonderful people, very helpful. And I'm glad I came here today. और मैं Ubaid को और Bablu ji को शुभकामनाएं दूंगी. Ubaid को कहना चाहूँगी कि Ubaid, वी आर विथ यू, वी आर फैमिली. और आपकी ये जो नई जिंदगी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, गॉड ब्लेस यू फॉर दैट. और आज लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी पासिंग अवे, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी दुख की बात है बॉलीवुड इंडस्ट्री. जब से मैं सोकर उठी हूँ और जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है श्रीदेवी जी के बारे में, मुझे इतना शॉक लगा है, इतना सदमा है. आई मीन, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, बिकॉज शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस. और ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब शी वॉज हार्डली 52-53, कैसे पॉसिबल है. मुझे लगता है, मुझे कई लोग SMS आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग कर ली या फिर प्लास्टिक सर्जरी करा ली. तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम एक्ट्रेस के लिए कितना मुश्किल है. आई मीन, इट्स सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड देन एवरीबडी वॉन्ट्स अस टू लुक स्लिम एंड ट्रिम. तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है, इट्स अ लेसन फॉर एवरी वन, पीपल हु आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, कि नेवर डू एनी प्लास्टिक सर्जरी और नेवर डू एनीथिंग which troubles your body and some side effects come out. So we now have to be very, very conscious. और कोई भी ऐसी पिल, डाइट पिल, जिससे भूख कम लगती है, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, एंड इट्स फॉर एवरी वन, क्योंकि इट्स वेरी डेंजरस. मुझे नहीं पता कि ये बात सच है जो श्रीदेवी जी के लिए लोग कर रहे हैं कि उन्होंने डाइट पिल्स ली थी और उन्होंने ऐसी मेडिसिन खाई थी विच मेक हर लुक स्लिम. मुझे नहीं पता, लेकिन आई रियली, इट्स अ वेरी बिग लॉस एंड इट्स अ ब्लैक डे फॉर फिल्म इंडस्ट्री. बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. मुझे ऐसा लगता है कि शी वॉज मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है. व्हाटएवर हैज हैपेंड इज वेरी वेरी बैड. थैंक्स मैम.